किसी काम को करने की निष्ठा और लगन किसी इंसान को एक ऐसे रास्ते पे ले जाती है जिससे न केवल उसकी एक पहचान बनती है बल्कि वो इंसान कामयाबी की बुलंदियों को भी छूता है। और ऐसा ही कुछ करके दिखाया है जिला यमुनानगर के जगाधरी ब्लॉक के खेड़ा गांव के किसान सुखविंदर सिंह ने, जिन्होंने अपने कठोर इरादे और बागवानी विभाग से मिले सहयोग से अपनी 14 एकड़ जमीन में विभिन्न प्रकार के फलों का बाग स्थापित करके न केवल अच्छा मुनाफा कमाने का जरिया बनाया अपितु कीटनाशक खादों रहित साफ सुथरी फसलों के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज सुखविंदर सिंह के खेतों में आम, लीची, अमरूद, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा के अलावा बड़ी संख्या में नींबू आदि की फसल लगा रखी है। उनका कहना है उनका एक शौक था कि वो फलों की खेती से अपना नाम व एक अलग पहचान बनाए। हमने ये बाग लगाया हुआ है, ये मेरे फादर्स को ये बहुत शौक था, ये उन्होंने ही शुरू किया है और आगे हमें है, हम भी इसको आगे ही लेके जा रहे हैं। उन्होंने पहले आम का बाग से शुरू किया था, उस टाइम ये नींबू या लीची होता नहीं था इतना, ये कोई 35-40 साल की पहले की बात है। तो अब इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने नींबू लीची में आए, आड़ू में आए, आलू बुखारे में आए, अमरूद में आए और इनको हम देख रहे हैं। और हमें जो सहायता मिल रही है वो हॉर्टिकल्चर से बहुत ज़्यादा मिल रही है। मार्केटिंग हम लोकली करते हैं, लोकल हमें बहुत बढ़िया मिल जाता है। अगर ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो हम बाहर की मंडी भी ले लेते हैं, दिल्ली भेज लेते हैं, अलवर भेज देते हैं। इससे हम कम से कम भी सीजन जब चलता है, अलग अलग सीजन होते हैं, उसमें 10 से 15 आदमी तो लगते ही हैं। उनका ये मानना है कि बागवानी विभाग के सहयोग एवं दिशा निर्देशों के तहत न केवल उनका शौक और सपना पूरा हुआ बल्कि एक अच्छा मुनाफा कमाने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी मिला। युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा मेन कारण है, वो चाहते हैं अभी हम आज कुछ लगाएं और इसका आज ही ले लें। एक बाग ऐसी चीज़ है, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। कुछ वैरायटीज़ हैं जो दूसरे साल फल दे देती हैं, पर फिर भी बच्चे नहीं चाहते, वो कहते हैं हमें तो आज लगाया और कल इसका फल मिलना चाहिए। जैसे सीजन लीफ गेहूँ हो गया, जीरी हो गया या गन्ना हो गया, वो उस तरफ ज़्यादा भागते हैं। एक इसमें थोड़ी मेहनत करनी है, वो नहीं करना चाहते। जिसको शौक है वो बाग लगाए, जिसको शौक नहीं है वो बाग मत लगाए, क्योंकि ये एक बच्चों की तरह इसको पालना पड़ता है। जैसे घर में अपने फैमिली बच्चे पालते हैं वैसे पालना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है। ये कुछ नहीं बताएगा, हमें इसको देख के देखना पड़ेगा। हमने ड्रिप लगवाई है, उस पर सब्सिडी सरकार बहुत ज़्यादा दे रही है, जो बाग के लिए बहुत बेनिफिट है। और प्लांट्स भी अगर हम नए लगाते हैं तो उस पर भी सब्सिडी मिलती है। इसकी प्रूनिंग पे भी सरकार हमें सब्सिडी दे रही है पर एकड़ के हिसाब से। सरकार और प्रोत्साहन दे इसमें बाग में। उनके बागों में लगते फल हरियाणा के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली जैसी बड़ी मंडियों में बिक्री के लिए आते हैं, जिसने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत तो बनाया ही है, साथ ही उनकी एक कामयाब किसान के रूप में पहचान भी बना दी है। बागवानी से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान या जानकारी के लिए किसान भाई बागवानी विभाग के टोल फ्री नंबर 1800180201 पर कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।